हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम अपूर्व और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। और आज की लोकेशन है MGS टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में हम आए हैं, MGS ऑटो में हम आए हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका आपको लिंक मिल जाएगा एंड कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो कोई भी कमर्शियल व्हीकल अगर आपको टाटा का चाहिए एंड लखनऊ या लखनऊ के आसपास आप रहते हो तो डेफिनेटली इन्हें फ़ोन करिए, इनके पास आइए, आपको अवेलेबिलिटी ज़रूर होगी इस कमर्शियल व्हीकल की। और ये फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैं कमर्शियल कवर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगी, काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा मुझे कि मुझे क्या कवर करना चाहिए और क्या नहीं कवर करना चाहिए। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाटा एस के बारे में। जी हाँ, टाटा एस, आप सही सुन रहे हो, छोटा हाथी जो आते ही इंडियन मार्केट पे छा गया, रेवोल्यूशनलाइज कर दिया इसने पूरे कमर्शियल सेक्टर को। पहले बड़े कमर्शियल व्हीकल्स आते थे, जब से एस आ गया है मार्केट में टाटा एस, उसने पूरे एक सेक्टर को ही बदल के रख दिया है। हर कोई छोटा बिजनेसमैन हो या किसी ने नया स्टार्टअप किया हो वो टाटा एस को ज़रूर प्रेफर करता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, ईजी टू मेनटेन है, रोबस्ट इसकी पूरी क्वालिटी है। एंड कहीं पे भी आप अर्बन यूज़ करो, रूरल यूज़ करो, कहीं पे भी ये गाड़ी जा सकती है। कहीं पे भी अगर कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो ये गाड़ी सही हो सकती है, कोई भी मैकेनिक इसको सही कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी है, इजी मिल जाते हैं इसके पार्ट्स। तो हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं। टोटल इस गाड़ी के आते हैं 7 वेरियंट, 1 पेट्रोल, 1 डीजल, 3 CNG और 2 EV। जी हाँ, EV और CNG भी आता है, हम जल्दी उसको कवर करेंगे आज, लेकिन हम सिर्फ इसका पेट्रोल वर्जन कवर करने वाले हैं। एस गोल्ड पेट्रोल CX वेरिएंट देखने वाले हैं, प्लस आपको डीजल के बारे में भी बताएंगे क्योंकि दोनों के फिजिकल अपीयरेंस में ना केबिन में फ़र्क है ना पीछे के पूरे डायमेंशंस में कोई फ़र्क है, तो ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि टेक्निकली बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो दोनों को अलग अलग कवर, जब वो गाड़ी आएगी तो मैं उसको भी आपको दिखा ज़रूर दूंगा, छोटा सा उसका जल्दी से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन आज हमारे सामने फिजिकली पेट्रोल खड़ा है तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे एंड डीजल के बारे में भी आपको बताएंगे। तो टेंशन मत लो, सबसे ज़्यादा एस में लोग डीजल ही खरीदते हैं, मुझे ये बात पता है क्योंकि डीजल का माइलेज अच्छा आता है, पेट्रोल में थोड़ा कम माइलेज है एंड कमर्शियल व्हीकल है, ज़्यादा चलेगा तो लोगों को डीजल ही चाहिए। इसीलिए कंपनी ने इसका CNG वर्जन भी निकाला जो और भी बेहतर माइलेज देगा, और EV वर्जन भी निकाल दिया जो और भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए हो जाता है। तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो जल्दी से आपको गाड़ी दिखाते हैं एंड बात करेंगे इसके बारे में खूब सारी, इसके डायमेंशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके कॉम्पिटिशन के बारे में, इसके इंजन के बारे में सब कुछ बताऊँगा आज आपको, बिल्कुल खुल के बताऊंगा। जैसे हम गाड़ियाँ और बाइक कवर करते हैं ना वैसे इसको कवर करेंगे। अगर थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो बने रहना वीडियो के एंड तक, लेकिन ये इसके गाड़ी, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना इसके बाद आपको टाटा एस का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। तो जल्दी शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने टाटा एस गोल्ड पेट्रोल CX वेरियंट, आपके सामने आप देख सकते हो सिमिलर फेस है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं जब से एस आया है, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ये बिकता है, इतना ज़्यादा हाईली डिमांडेड रहता है। तो चलिए फ्रंट प्रोफाइल से इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर हेडलैम्प इसमें मिल जाता है, बल्ब बेस मिलता है, बल्ब बेस इंडिकेटर्स इसमें मिल जाते हैं, कोई नीचे फॉग लैम्प नहीं मिलता, ये सब आपको फाइबर फिनिश है, मैट ब्लैक में है, टाटा का बीच में लोगो मिल जाता है, गोल्ड की स्टिकरिंग इधर है एंड लोगो एस का इधर मिल जाता है, CX का इधर साइड ड्राइवर डोर पे मिल जाता है, ORVM इसमें आपको मैनुअल मिलते हैं। कोई भी फीचर्स की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बहुत ही बेसिक एक कमर्शियल व्हीकल है क्योंकि हर तरह का आदमी इसमें चलाता है, बहुत ज़्यादा हाईटेक बना देंगे तो ये हर तरह के लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो मैं किस तरह की बातें कह रहा हूँ, किस तरह के लोगों के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एंड यहाँ पे आपको क्लियर फ्रंट पे बड़ा सा ग्लास मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लैक आउट में प्लास्टिक में दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको फिन्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा एक इसको एक एग्रेसिव बनाने के लिए दिया है। ऊपर रूफ पे यहाँ पे आपको लाइंस मिल जाती हैं, करेक्टर लाइंस अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे साइड में आपको डोर्स की लाइन मिल जाएगी, बेसिक इसका ब्लैक आउट में डोर हैंडल है एंड बड़ी सी इसमें आपको विंडो मिल जाएगी। अंदर केबिन देख लेते हैं, दोनों के डोर्स एग्जैक्टली सेम है, मैं सब कुछ इसमें मैनुअल मिलेगा, चाहे इसका आप विंडो देख लें, विंडो ऑपरेशन इसका मैनुअल रहेगा, यहाँ से
अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है, यहाँ पे आगे फ्रंट में छोटी सी स्पेस मिल जाती है, इधर छोटी सी स्पेस आपको सामान रखने की मिलेगी। यहाँ पे आपको दो USB पोर्ट की जगह मिल जाएगी, तो ये ठीक है। 5 गियर शिफ्ट के साथ ये आता है, प्लस 1 रिवर्स एंड मैनुअल। इसमें आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, सिर्फ केबिन में 2 ही लोग की जगह है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर की। बीच में यहाँ अपना सामान रख सकते हो। पीछे यहाँ पे इसका पूरा टूल किट रखा हुआ है एंड सर्विस बुक यहाँ बीच में रखी है एंड यूज़र मैनुअल भी इसके साथ मिल जाता है एंड यहाँ पे चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। ठीक है, जब उधर ड्राइवर एंड पे आएंगे तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे 12 इंचेस के इसके टायर मिल जाते हैं, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। टायर साइज़ मैं आपको एक बार बता दूँ, 145/80R12 है एंड ये पेट्रोल इंजन के साथ ये आती है। पेट्रोल इसमें फ्यूल आप 26 लीटर तक भरा सकते हो, डीजल होता तो इसमें आप 30 लीटर्स का फ्यूल भरा सकते हो। E20 कंप्लाइंट है, आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा है। ये CLB वेरिएंट है, इसमें CLB वेरिएंट आता है, कैप चेसिस आता है और हाई डेक आता है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जब उसके डायमेंशन में आपको बताऊँगा। बाकी इधर साइड से इसका पूरा मैकेनिज्म देख लो, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसका बैटरी लगा हुआ है एंड यहाँ पे इसका इंजन दिया है 694 cc का MPFI इंजन है पेट्रोल का एंड मैक्सिमम पावर ये 30 PS की निकालता है, 55 Nm का टॉर्क निकालता है। यहीं पे अगर हमको डीजल होता तो 700 cc का वो भी इंजन हमें मिलता है, उसमें आपको पावर मोड मिलता है और सिटी मोड मिलता है। पावर मोड में आपको 22 PS की पावर निकालता है, सिटी मोड पर आपको 17 PS की पावर निकालता है एंड जो टॉर्क है वो पावर मोड पे आपको 55 Nm का मिलेगा एंड 40 Nm का आपको सिटी मोड पे मिलेगा। तो ये दो तरह के इसके पावर्स हो गए एंड ये डेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लेन डेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का बना हुआ है एंड यहाँ से इसको पीछे से आपको ओपनिंग मिल जाएगी एंड पीछे यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है, टाटा पीछे यहाँ पे एनग्रेव्ड है, पीछे आपको रेडियम मिल जाता है एंड बैकलाइट है एंड इंडिकेटर्स के साथ एंड स्पेयर व्हील भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका, 160 mm का है एंड लीफ स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन भी है एंड फ्रंट सस्पेंशन भी आपको लीफ स्प्रिंग ही मिल जाता है। एक बार आप यहाँ से लुक देख सकते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोडिंग कैपेसिटी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। काफ़ी अच्छी और मजबूत बॉडी आपको मिल जाती है, ये सब फेंडर जो है आपको फाइबर फिनिश मिल जाएगा एंड साइड में इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, पीछे यहाँ पे आपको क्लियर ग्लास मिल जाएगा, अपना सामान आप देख सकते हो ईजिली, है ना। एंड यहाँ पर आपको ये ओल्ड स्कूल में यहाँ पे आपको लॉक सिस्टम मिल जाता है, 2 इसकी बेसिक कीज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जल्दी से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते हैं, अच्छा लग रहा है, ऑरेंज एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से। डिजिटल स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर गेज है, इधर डिजिटल फ्यूल गेज है, यहाँ पे टाइम है, ओडोमीटर है, टोटल किलोमीटर्स कितने आप कवर कर चुके हो एंड यहाँ पे आपको सारी वार्निंग मिल जाती है। हजार्ड लाइट का बटन यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से लाइट्स को आप लेवल कर सकते हो, ठीक है। एंड ये फिक्स सीट्स हैं, ना आगे होंगी ना पीछे, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आपके यहाँ राइड करे उसको ये चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे आपको ABC पैडल्स मिल जाएंगे, क्लच ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओपन है कि कल को कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो ईजिली यहाँ पे इस पर काम हो जाए एंड जल्दी से ये फिक्स हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए कमर्शियल व्हीकल को जल्दी फिक्स करना और सब कुछ बहुत ही सिंपल रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टाइम इज़ द की फॉर एनी कमर्शियल व्हीकल। एंड यहाँ पे आप इसको पावर स्टेयरिंग देख सकते हैं, टाटा का लोगो, हॉर्न यहाँ पे दिया हुआ है, थिकनेस अच्छी है, पकड़ने में अच्छा लगेगा। बाकी इधर का भी डोर का प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं एंड एक बार फ्रंट से लुक आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए टायर प्रेशर यहीं पे आपको मेंशन है, तो किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट और रेयर दोनों के लिए। एंड यहाँ फ्रंट से इसका लुक देखिए, अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, डायमेंशन जानने से पहले थोड़ा सा हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों आपको 2 सिलेंडर का 700 cc का इंजन मिलेगा। MPFI आपको पेट्रोल में मिलता है एंड डायरेक्ट इंजेक्शन आपको डीजल में मिल जाएगा एंड पावर्स मैंने आपको दोनों बता दी हैं। मैक्सिमम स्पीड भी आप जान लीजिए, आपको 65 km/h की स्पीड मिलेगी, चाहे आप डीजल लेंगे चाहे आप पेट्रोल लेंगे। टाटा एस गोल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ, CX वेरियंट में। एंड इसका क्लच जो है सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन डाइफ्राम टाइप पर बना हुआ है एंड फ्रंट ब्रेक्स और रेयर ब्रेक्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फ्रंट में ड्रिस है एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं और
जो सस्पेंशन है आपको फ्रंट में रिजिड एक्सल विद पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग मिलेगा, एंड रियर में आपको यहाँ पे लाइव एक्सल विद सेमी लीफ स्प्रिंग मिल जाता है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अब जल्दी से इसके डायमेंशन के बारे में हम बात कर लें, तो लेंथ आपको 3.8 मीटर की मिलेगी, विड्थ आपको 1.5 मीटर की मिलेगी और हाइट आपको 1.8 मीटर की मिलेगी। व्हील बेस आपको 2.1 मीटर का मिलेगा एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 160 mm का दिया हुआ है। ये कम नहीं होता है, ये एक इस पर्टिकुलर गाड़ी के हिसाब से सफिशेंट इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। एंड कार्गो बॉक्स डायमेंशन की अगर मैं बात कर लूँ, पीछे ये जो आप डायमेंशन देख रहे हो यहाँ पे 2140 mm का इसका आपको लेंथ मिलेगा, विड्थ आपको 1430 mm की मिलेगी और 300 mm का इसमें आपको इसका मेरे ख्याल से हाइट मिलेगा। राइट, 300 mm की जो हाइट आप देख रहे हो, साइड वॉल्स की जो हाइट देख रहे हो 300 mm की मिलेगी, और इसी में अगर आप हाईडेक चले जाते हो तो 1205 mm की हाईडेक की हाइट हो जाएगी। एंड टर्निंग रेडियस जो इसका है टाटा एस गोल्ड का, वो आपको 4.3 मीटर का ही मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, चाहे आप इसका पेट्रोल लें, सीएनजी लें, ईवी लें या डीजल लें। एंड इसका जो जीवीडब्ल्यू है, मैक्स जीवीडब्ल्यू ग्रॉस व्हीकल जो वेट है, वो आपको डीजल में मिलेगा 1685 का एंड पेट्रोल में मिलेगा 1615 का। तो इस चीज़ का 1615 kg का मैं बता रहा हूँ, सब जितने भी वेट्स हम बात करेंगे सब केजी में बात करेंगे। एंड कर्व वेट आपको जो इसमें मिल जाता है सीएलबी में, जो आपके सामने खड़ी हुई है, इसमें आपको 840 किलो का मिलेगा। एंड कैप चेजेस में आपको 740 केजी का मिलता है। एंड जो हाईडेक के साथ आप लोगे, जो थ्री साइड से कवर्ड रहेगी, उसमें आपको 780 केजी का कर्व वेट मिल जाता है। पे लोड की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कैटेगरी के लिए। सीएलबी जो आज अपने सामने आप देख रहे हो, उसमें 775 किलो तक का वेट आप ले जा सकते हो। एंड विदाउट ये पीछे का जो स्ट्रक्चर है, ये आप इतना देख रहे हो ना जो फ्रेम में, इतना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप पीछे का पूरा हटा दीजिए, उसको कैब चेसिस कहते हैं, जिसमें सिर्फ केबिन रहता है और पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपको 875 किलो तक का वेट आप ले जा सकते हो। एंड हाईडेक के साथ, जिसमें थ्री साइड से आपको वॉल मिलेगी, लेफ्ट साइड एंड बैक साइड पे, तो वहाँ पे आपको 735 केजी तक का आप लोड इसमें ले जा सकते हो। एंड अगर आप इसका डीजल वर्जन लोगे तो एक और खर्चा है, वो है DEF का, जिसमें आपको 12.5 लीटर DEF उसमें डलवाना पड़ेगा एंड टाइमली उसको चेकअप या चेक उसको रखना पड़ेगा, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो आपके व्हीकल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके वारंटी पीरियड की भी हम बात कर लेते हैं, 272,000 किलोमीटर का इसका स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड है। जो भी रनिंग इसकी चीज़ें हैं उन सब में आपको वारंटी से वो कवर्ड रहेगी। एंड 3 फ्री सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, लेबर फ्री सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, 8 महीने 10,000 किलोमीटर, 16 महीने 20,000 किलोमीटर और 24 महीने 30,000 किलोमीटर, ये 3 आपको फ्री सर्विस कंपनी की तरफ से टाटा आपको दे रही है। और चलिए अब इसके प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका डिसीजन पूरा लाई करेगा। हम प्राइसेस की बात करेंगे एक्स शोरूम लखनऊ और ऑन रोड लखनऊ के प्राइसेस की, तो जल्दी से वो जान लेते हैं। सो टाटा एस गोल्ड पेट्रोल में जो बेसिक वर्जन है सिर्फ केबिन के साथ, वो आपको 4,68,000 रुपीज़ का पड़ेगा एंड ऑन रोड प्राइस 5,18,000 रुपये का। एंड सीएलबी वेरिएंट जो आप देख रहे हो अपने सामने, आज अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सीएलबी वेरिएंट है, वो 4.84 लाख रुपीज़ का पड़ेगा एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस 5,34,000 रुपीज़ का पड़ेगा। इसके बाद इसका हाईडेक वेरियंट आएगा, वो 5,28,000 रुपीज़ का पड़ेगा, 5,28,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस 5.79 लाख रुपीज़ का पड़ेगा, 5,80,000 रुपये के आसपास का आप मान लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डीजल वर्जन पे, वो आपको 6,14,000 रुपये से एक शोरूम शुरू होगा, बेसिक वाला मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ केबिन के साथ, एंड ऑन रोड प्राइस उसका 6,66,000 रुपये आपको पड़ेगा। तो मोटा मोटा ऑन रोड प्राइस पे आने के लिए आप 50,000 रुपये तो ज़रूर ऐड कर लीजिए ऊपर से। एंड फिर हम इसके आ जाते हैं सीएलबी वेरिएंट पे,
जो 6,54 का है, एक्स शोरूम प्राइस 6,54,000 रुपये का, एंड ऑन रोड प्राइस इसका आपको पड़ेगा 7,06,500 रुपये का। एंड इसके जो टॉप एंड आपको डीजल का पड़ेगा वो आपको 6,99,000 रुपये का पड़ेगा, एंड ऑन रोड प्राइस 7,52,000 रुपये का पड़ेगा लखनऊ में। ऑन रोड प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो गए पूरे एस के पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। जब हम इसका सीएनजी कवर करेंगे तो आपको सीएनजी के प्राइसेस और उसके सब कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे। ये हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आए हों, कंपनी ने कुछ चेंज करके दिया हो, तो वो भी अलग से कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबको एक जैसी चीज़ें हम नहीं बता सकते, तो अलग वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है। ईवी का वीडियो अलग बनेगा, तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर में आने वाले सीएनजी और ईवी वेरिएंट्स भी जो एस के हैं वो आप ज़रूर देख पाएँ। एंड लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहते हैं तो एमजीएस ऑटो पे ज़रूर आएँ। कुर्सी रोड पर इनका शोरूम है, रिंग रोड पे, तो कुर्सी रोड नहीं है, आई थिंक खुर्रम नगर रोड है ये। पर पूरा आपको यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंसर्न पर्सन का फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उनसे बात करें रिगार्डिंग एनी कमर्शियल व्हीकल ऑफ टाटा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। आपको सब कुछ यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलेगी, एंड जल्दी सर्विस भी आपको मिलेगी, एंड जल्दी वो अवेलेबिलिटी भी आपको जल्दी मिलेगी, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेकर, इस टाटा एस गोल्ड को लेकर, तो मुझसे पूछ सकते हो, या कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर के बारे में आपको जानना हो तो डेफिनेटली आप मेरी हेल्प ले सकते हो। कोई भी कलर कन्फ्यूजन हो व्हीकल, या कौन सा इंजन ले, कौन सा ट्रांसमिशन ले, तो वो सब कुछ आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप डालोगे तो वो भी चलेगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं फ्यूचर में भी, और पहले भी आ चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। पिछले 10-11 महीने से हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं विदाउट अ गैप, हर दिन वीडियो आए हैं, तो अगर हमारी ज़रा सी भी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड जिनको भी इन ऐसी गाड़ियों की या वीडियोस की ज़रूरत हो तो उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनकी हेल्प आउट आपके थ्रू हो सके। एंड मैं तो आपके साथ हुई, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं जल्दी। टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, एंड फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद, बाय।